में विपक्षी दलों की भी साझा बैठक हुई और जिसके बाद विपक्षी दलों ने मिलकर अपने गठबंधन को एक नया नाम दिया, इंडिया। जी हाँ, सवाल ये उठ रहा है कि ये विपक्षी एकता या जो विपक्षी पार्टियां लामबंद हुई हैं, वो लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी एनडीए को मुकाबला उनका कर पाएंगी, क्या टक्कर दे पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता पूरी दिखाने की कोशिश की। ये तस्वीरें कल बेंगलुरु से सामने आईं, जहां 2024 का सपना लिए देश की विपक्षी पार्टियां जुटी। सबने मिलकर ऐलान किया कि वो इंडिया बना रहे हैं। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसमें देश की 26 विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। Two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. वैसे इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, कौन इसका चेहरा होगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इस बैठक में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। हालांकि बैठक से पहले कुछ पार्टियों में थोड़ा मनमुटाव देखा गया था, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी में तकरार चलती रहती है, लेकिन इस बैठक में ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम सब साथ हैं। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव विपक्षी एकता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए थे। इसे लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए क्यों निकल गए, कहीं संयोजक नहीं बनाने से नाराज तो नहीं। वैसे विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी, इसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। देखना यह है कि ये एकता 2024 में कितनी ताकत दिखा पाएगी।